नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सागर जिले के मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवासी श्रमिकों की मौत से जनपद सिद्धार्थनगर गमगीन है, जहां के 3 परिवार के लोग दुर्घटना के शिकार हुए और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से ज्यादातर बच्चे हैं। दोथाना क्षेत्र के 3 गाँव में मातम का माहौल है। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वहां के प्रशासन से बात की गई तो लाश लाने की स्थिति में नहीं थी, जिस पर यूपी के सीएम ने शोक संवेदना प्रकट की है। मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। हो गया, इसकी वजह से वो आ नहीं पाया। फिर भी किसी वाहन से साधन से ट्रक से आ रहा एक्सीडेंट हो गया। हम गए अपने बेटे का लाश गाड़ी आने के लिए, हमको नहीं मिला। और फिर वही मिट्टी दे दिया। यहाँ के अधिकारी से बहुत कोशिश की है कि कोनो हमारा सुनवाई नहीं हो। हमार परिवार ना ही हम देख पा रहा, ना ही दी हम गरीब मनई हैं। यहाँ का अधिकारी और सब के साथ ना ही दी हम अपने बेटवा का लिहाज ना देख पाए। के बहुत केसेज होंगे, अभी भी जब पूरे प्रदेश संक्रमित हो चुका तो ये तहसील या ये विधानसभा अभी कोरोना पॉजिटिव से बची हुई है, ये बधाई के पात्र हैं। यहाँ के जागरूक लोग, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी प्रधान और जनता, कि वो कम से कम जो ये लगातार सुरक्षा समितियों के माध्यम से ये बात कही जा रही है उसको जन जन तक पहुँचाने में। मैं इनकी भी डेड बॉडी मंगवा रहा था, लेकिन जो मैं वहाँ के अधिकारी से बात कर रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री के हम और यहाँ के अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, हमारे विधायक भी उसमें प्रयास कर रहे थे कि आज उन लोगों को लाने के लिए यहाँ से बस भेजी गई है सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। अब उसमें शायद एक्सीडेंट में कुछ ऐसी बॉडी डिपोज्ड हो गई थी कि जो हम लोगों को बताया गया कि वो लाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन और सब लोग, एक लड़की घायल है उसको भी लाया जा रहा है उसी गाड़ी से, और लोग सब लोग आ रहे हैं उस तरीके से है। लेकिन इसके बावजूद वो एक्सीडेंट हुआ, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी शोक संवेदना व्यक्त किया है और उन परिवारों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपये की सहायता। हमारे गांव के बम्बई रहते थे साहब, दो चार पूरे परिवार के साथ में रहते थे। लॉकडाउन हुआ, वहाँ मेहनत मजदूरी नहीं कर पाते थे, बेचारे भूखे मरते थे। कोई भी हिसाब से गाड़ी वाड़ी के साथ में आ रहे थे और रात रास्ते में मध्य प्रदेश में दुर्घटना हो गया। और दुर्घटना होने के बावजूद हम लोग को मालूम पड़ा यहाँ से हम लोग को कोई सहायता मिला नहीं, और यहाँ गांव में हलचल मच गया पूरा। रमज़ान का महीना है, सब लोग रोज़ेदार हैं, सबके घर में परेशानी हो गई, पूरे गांव में परेशानी हो गई और बना हुआ खाना। हाँ, सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिला। मालूम पड़ने के बाद में यहाँ से वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ के लोग ये कहते कि यहाँ से दबाव बन रहा है कि वहाँ डेड बॉडी नहीं दिया जाएगा, और वहाँ के लोग ज़बरदस्ती, वहाँ का भी शासन प्रशासन दबाव बना करके ज़बरदस्ती उस डेड बॉडी को वहीं दफना दिए। और यहाँ के पूरे परिवार को ये हो रहा था कि मतलब आखिरी टाइम हम अपने बच्चे का या अपने भाई का शक्ल तो देख लें। ये परिवार के पहुँचने से भी वहाँ जो लोग पहुँचे और उनको देखने भी नहीं दिए, वो उससे पहले दफना दिए। हम लोग में भी काफ़ी नाराज़गी है और यहाँ से कोई सहायता नहीं मिला। अगर
संसद विधायक के पास में भी गए तो वहाँ दौड़े भागे, लेकिन वहाँ से कोई सहायता नहीं मिला और ना तो हम लोग के बात को कोई केयर किया गया।